अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके के चाहे विनेश फोगाट की बात करें चाहे बजरंग पुनिया की बात करें, अब कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं और विनेश फोगाट को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी बनाया है, क्या लगता नहीं कि इससे अब किंतु परंतु भी जो है वो की जा रही है, क्या लगता है कि इससे पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, सबका मान सम्मान भी करती हैं जो भी शामिल हो रहे हैं, और ये हमारा सिर्फ नेतृत्व का काम है। जो भी पार्टी डिसाइड करती है जिसको टिकट देना है जहाँ से देना है वो उनका काम है, और सभी लोग मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और कर रहे हैं। छोटी छोटी पार्टियों के गठबंधन भी हुए हैं, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात चल रही है, अगर गठबंधन होता है तो क्या फ़ायदा मिलेगा उम्मीदवारों को इसका? देखिए, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गठबंधन करते हैं, और जैसा भी उनका डिसाइड होगा तो हम लोग मिलकर उनके नेतृत्व में काम करेंगे। तो बिल्कुल, ये थी रेणु बालाजी जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आप देख रहे हैं नव द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल दी है जिसमें मौजूदा विधायकों को टिकट दी गई है। हमारे साथ विधायक रेणु बालाजी हैं जो इस बार भी कांग्रेस ने एक बार फिर विश्वास उनके ऊपर जताया है। मैम, पहले तो आपको बधाई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, जिस तरीके से आपको एक बार फिर विश्वास जताया कांग्रेस पार्टी ने, क्या रहेगा इस बार, चुनौती रहने वाली है कुछ? देखिए, सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय खड़गे साहब और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी और माननीय वेणुगोपाल जी, सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे दोबारा से कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर मुझ में आस्था जताई और टिकट देकर मुझे सढ़ौरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजा, उसके लिए सभी का धन्यवाद। और देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद में एक सक्षम पार्टी है और अब की बार भी कांग्रेस पार्टी, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, पूर्ण बहुमत के साथ, ज़्यादा मतों के साथ जीतकर आएगी और कांग्रेस पार्टी को हम लोग मिलकर मजबूत करने का काम भी करेंगे। चुनौती है कुछ, क्योंकि मौजूदा विधायक हो, विपक्ष में रहे हो, तो लोग कहते हैं कि हमारे इलाकों के काम नहीं हुए, चुनौती रहने वाली है कुछ? देखिए, विपक्ष में विधायक होने के नाते मैंने 2019 में जब विधायक चुनकर आए उस टाइम में मैंने अपने क्षेत्र की जितने भी मुद्दे थे, सड़क से लेके चाहे वो अन्य डेवलपमेंट के मुद्दे हों, वो हर मुद्दे को मैंने विधानसभा में उठाया ताकि उन समस्याओं का निवारण करा सके। और विपक्ष में होने के नाते जितना भी सरकार की तरफ से जो भी थोड़ा बहुत फंड आया, उस फंड से मैंने डेवलपमेंट के काम भी करवाए, चाहे वो गाँव में चौपाल का काम हो, गली का हो, नाली का हो, अपने सड़कों के हों या अन्य मुद्दे जो भी हैं वो डेवलपमेंट कराया। और हर बार मैं इन 5 सालों में अपने क्षेत्र में, चाहे वो किसी के दुख सुख का प्रोग्राम हो या किसी से मिलने का प्रोग्राम हो, बैठने का प्रोग्राम हो, लोगों के बीच में जाती रही हूँ और जो भी उनकी समस्याएं थी उनको समस्याओं को सुना भी है, और जितना अपने से मैंने 100% अपना दिया है कि मैं अपने जनता की जो समस्या हूँ उनको दूर करा सकूँ और जनता के बीच में रह के उनके काम करवा सकूं। और मैं हमेशा ही जनता के बीच में रही अपने क्षेत्र में, और लोगों की जो बात है, जो उनकी समस्या है, उनकी सुनवाई भी की और उन बातों को सुनकर विधानसभा में जो मुद्दे बनते थे वो मुद्दे उठाए भी हैं। पहली बात ही कोई ऐसी बात नहीं है, हम बहुमत के साथ फिर से जीत हासिल करेंगे कांग्रेस पार्टी के। क्योंकि अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा है कि जो मुद्दे हैं वो, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।